प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रिवीजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले वेलोसिटी एक्सीलरेशन इन मैकेनिज्म, जो आपके वेग और त्वरण यंत्रावली में वेग और त्वरण निकालते हैं, उसके पुराने बीटीईआर के प्रश्न पत्रों में से कुछ प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रिवीजन करें। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लिंक, यानी किसी एक कड़ी पर किसी भी बिंदु का वेग। चित्र में दो चित्र ए और बी। चित्र ए में कड़ी है ए बी, उसका वेग वी बी ए, इसकी घूमने की दिशा ओमेगा दिखाई गई है जो कि क्लॉकवाइज है, तो वेग की दिशा इस लिंक के लंबवत है। वेग का सूत्र वी बराबर ओमेगा आर, ओमेगा कोणीय वेग है, आर लेंथ ऑफ लिंक है। इसका वेग स्मॉल ए बी से दिखाया गया है। अब एक कोई बिंदु सी लिया गया इस पर, जिस अनुपात में ये सी ए सी और ए बी जिस अनुपात में यहां है वही स्मॉल ए सी और ए बी का रहेगा, तो वही यहां पर लिखा है कि ए सी अपॉन ए बी बराबर वी सी ए अपॉन वी बी ए। यानी इस में हमने ये पढ़ा कि किसी भी लिंक का वेलोसिटी उस लिंक के परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी बात ये, कोई भी बिंदु जो लिंक पर होता है, जिस रेशो में वो लिंक पर है उसी रेशो में उसकी वेलोसिटी उसके वेलोसिटी वेक्टर पर होती है। अब हम एक्सेलरेशन को रिवाइज करें, त्वरण। आगे की स्लाइड में वही लिंक दिखाया जाएगा, ए और बी उसके दो बिंदु हैं। माना कि बी moves with a with respect to a with omega angular velocity और alpha उसका कोणीय त्वरण है, angular acceleration है। acceleration के दो part होंगे ar और at। ar को हम कहेंगे radial या centripetal component और at को कहेंगे tangential component। ar हमेशा parallel to link होगा, ये ar होगा ar, और AT हमेशा परपेंडिकुलर टू लिंक होगा। AR ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R भी होगा, क्योंकि V बराबर ओमेगा R होता है। इसी तरीके से AT जो होगा वो R अल्फा होगा। ये लिंक के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, वेग जो है वो लिंक के परपेंडिकुलर है, ए आर लिंक के पैरेलल है, ए टी लिंक के परपेंडिकुलर है। अब ये चित्र जिसका पिछली स्लाइड में डिस्क्रिप्शन करा था, ये लिंक दिखाया गया है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ये ए टी दिखाया गया जो कि परपेंडिकुलर है लिंक के ए बी के। ये ए टी देखिएगा, ए बी के परपेंडिकुलर, ये ए डैश एक्स, यानी ये जो ए डैश एक्स आपको रेखा दिख रही है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, और ये जो रेखा दिख रही है बी डैश एक्स ये पैरेलल है ए बी के, ए बी के समांतर है, और इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये कुल त्वरण जो कि ए आर और ए टी के वर्गों के योग का वर्गमूल है। इन्हीं चीजों को कंसाइज फॉर्म में यहां लिखा गया है कि वेग या हमेशा लिंक या कड़ी के लंबवत होता है, त्रिज्य त्वरण ए आर हमेशा लिंक या कड़ी के समांतर होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण ए टी हमेशा लिंक या कड़ी के लंबवत होता है। इनके सूत्र लिखे गए हैं, वी बराबर ओमेगा आर, ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ए टी बराबर आर एल्फा। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़े। ये वर्ष 2012 में 12 नंबर का प्रश्न आया था आपके BTER में। इसमें एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिखाया गया है। क्रैंक सीबी की लंबाई 100 मिलीमीटर दी हुई है, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई 300 मिलीमीटर दी है, कनेक्टिंग रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल जी बिंदु बी से 100 एमएम दूर है, क्रैंकशाफ्ट की चाल 75 रेडियन पर सेकेंड और 1200 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ओमेगा और अल्फा दोनों दिए हैं, और डायरेक्शन और रोटेशन भी चित्र में दी हुई है। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जी, यानी बिंदु जी का वेग, और ए बी का कोणीय त्वरण एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी।
अब इसको हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम कड़ी के लिए वेग v, ar और at के मान निकालेंगे, यानी पहली कैलकुलेशन हमारी रहेगी हम v, ar और at के मान निकालेंगे किसके लिए, लिंक bc के लिए। v का सूत्र ओमेगा r, ओमेगा 75, r 100, तो 7500 7500 mm पर सेकंड। ar ओमेगा स्क्वायर r, इसका वैल्यू 562500 mm पर सेकंड स्क्वायर, at निकल गया। किसी किसी न्यूमेरिकल में जब क्रैंकशाफ्ट एक समान कोणीय वेग से घूमता है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, तब अल्फा जीरो होता है, तो उस केस में एटी जीरो लेते हैं, परंतु इस प्रश्न में एटी का मान है क्योंकि अल्फा का मान दिया हुआ है। अब हम अभिविन्यास आरेख कॉन्फिगरेशन डायग्राम को उपयुक्त पैमाना लेकर बनाएंगे। उदाहरण के लिए यहां पर पैमाना हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 50 mm लिया है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम तीन चित्र बनेंगे, तो तीनों चित्रों में जो बिंदु हैं उनको हम अलग अलग अंग्रेजी के अक्षरों से दिखाएंगे। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जो है हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में दिखाएंगे, स्मॉल लेटर्स वेलोसिटी डायग्राम में दिखाएंगे और डैश लगा करके एक्सेलरेशन डायग्राम में दिखाएंगे। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को बनाया है। बिंदु सी स्थिर है ये, और स्केल ले रखा हमने तो सी भी हमने बनाई। ये 100 है, 50 का भाग दिया 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा, 120 डिग्री का कोण बनाया, वहां से 300 mm है यानी 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा, यहां पर ये कट किया और ये इस प्रकार से बिंदु प्राप्त हुआ और जी बिंदु मार्क करा। यहां पर कुछ चीजें ध्यान देने की है, रोटेशन की डायरेक्शन हमको दी हुई है ये क्लॉकवाइज, तो हमने VBC दिखाया। सबसे पहले ध्यान से देखिए, VBC जो परपेंडिकुलर है BC के, और इसी दिशा में ATBC यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। अब BC का AR इस डायरेक्शन में है और इसी प्रकार से AB का AR उस डायरेक्शन में है। अब हम वेग आरेख, वेलोसिटी आरेख कब स्केल चुनेंगे, हमारे पास चार लिंक है, सुनिएगा ध्यान से, उनमें से एक लिंक करना है आपका लीनियर मोशन यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन, एक लिंक स्थिर है तो सिर्फ दो लिंक बचे, एक ही लिंक का वेग हमें पता है और वो 7500 हमने निकाला था, उसी से पैमाना चुनना, तो हमने 1000 का पैमाना ले लिया उदाहरण के लिए यहां पे। अब हम ये कॉन्फिगरेशन डायग्राम है, इसके पास में ही सबसे पहले बिंदु सी अंकित करेंगे। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिंदु सी अंकित होगा, सी लिखेंगे भी, उसके बाद हम इस बीसी के लंबवत, ये रेखा है बीसी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सी बी होगी। इसकी लंबाई 7500 में 1000 का भाग दें, 7.5 सेंटीमीटर होगी। यह इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि लिंक का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उसके हिसाब से वेग की दिशा यही है, तो हमको सी बी प्राप्त हुआ। और ये जो लंबवत रेखा हम सेट स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हैं। अब आगे, अब रेखा सी बी 7.5 सेंटीमीटर खींचेंगे, वो हमने पिछले समय बता दिया। अब इसके आगे ये बिंदु बी हमारे को प्राप्त हो गया, यानी पहले सी प्राप्त हुआ, अब बी प्राप्त हो गया है। अब बी से इस AB के लंबवत रेखा खींची, ये AB, ध्यान दीजिए ये रेखा AB, तो AB के लंबवत रेखा खींची, लेकिन इसकी हमको लेंथ नहीं पता है और ये भी नहीं पता कि B से ऊपर ले जाए कि B से नीचे ले जाए, तो हम दोनों तरफ खींच देंगे इस रेखा को, ऐसे इस रेखा को हम ये दोनों तरफ खींच सकते हैं, ये रेखा है। और अब C से इसके बाद में, ये पहली स्टेप, और दूसरी स्टेप C से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, दोनों जहां कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो बिंदु ए प्राप्त हुआ। अब एक वेग आरेख प्राप्त हो गया है सी ए बी, चार कड़ियां थी, एक स्थिर है इसलिए तीन के वेग प्राप्त होंगे। सी बी का वेग स्मॉल सी बी बी सी का वेग दिखाता है, स्मॉल ए बी ए बी का वेग दिखाता है, ए सी पिस्टन का वेग दिखाता है। अब वी ए बी निकाला हमने, ए बी को नापा इंटू स्केल ऑफ वेलोसिटी डायग्राम, यहां जैसे ना आपने 50 सेंटीमीटर आई तो ये
4000 मिलीमीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड हो गया VAB। ओमेगा निकालना है इसका कोणीय वेग, तो उसमें भाग दे दिया, ये इसका कोणीय वेग आ गया। अब हम G को अंकित करेंगे, ये G, और ये किस रेशियो में होगा, हमने बताया था जब थ्योरी स्टार्ट करी थी इसकी कि ये उसी रेशियो में होगा AB पर, जिस रेशियो में कैपिटल AB पर G है उसी रेशियो में स्मॉल AB पर स्मॉल G होगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, कैपिटल G जिस रेशियो में कैपिटल AB पर है उसी रेशियो में स्मॉल G स्मॉल AB पर होगा, ये दिखाया गया है। अब इसके लिए AG अपॉन AB बराबर कैपिटल AG अपॉन कैपिटल AB, स्मॉल AG का मान निकाला है, AG अपॉन AB इनटू AB, ये हमको गिवन है 200 mm, ये गिवन है 300 mm, AB हमने नापा 4 सेंटीमीटर इसलिए 2.67 आया। अतः हम वेलोसिटी डायग्राम में स्मॉल A से AB पर 2.67 सेंटीमीटर दूर स्मॉल G अंकित करेंगे, ये स्मॉल G अंकित हुआ, इसको स्थिर बिंदु C से मिलाया, ये इसका वेग प्राप्त हुआ VG, जिसको स्केल से गुणा कर देंगे और ये उत्तर आएगा। यहां देखिए दोनों डायग्राम पैरेलल चलेंगे, इसलिए हर स्लाइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम एक साथ बनाएं। अब अगली स्टेप में त्वरण निकालेंगे और फिर त्वरण का आरेख भी इसी चित्र में इसके पास ही बनेगा। त्वरण निकालने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, यहां लिंक बीसी लिया, एबी लिया, ओमेगा हमको दिया है इसका आर, वी बराबर ओमेगा आर 7500, एआर निकाला वी स्क्वायर बाय आर, एटी निकाला आर अल्फा, एबी का ये ओमेगा आर निकालने की जरूरत नहीं, सीधा हमारे जो वेलोसिटी डायग्राम आया है उससे हमने मान निकाला 4000 एमएम पर सेकंड, एआर निकाला इसका ये वी स्क्वायर, ये जो मान आया 4000 का इसका स्क्वायर करके उसमें आर का भाग दे दिया, इसकी खुद की लेंथ का भाग दे दिया 300 का, उससे ये आ गया। अब एक्सीलरेशन के 1, 2, 3 मान पता है, एटी हमें पता नहीं है इसका भी, ये क्वेश्चन मार्क है भी हमें पता नहीं है। अब हम पैमाना चुनेंगे, यहां उदाहरण के लिए पैमाना 50000 लिया गया है। अब देखिएगा पहली स्टेप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के पास में सबसे पहले स्पेस में सी डैश अंकित करा, वहां से नीचे की ओर एआर है, तो ये जो रेखा बीसी है इसके समांतर रेखा खींचेंगे सी डैश बी डबल डैश, सी डैश बी डबल डैश, ये रेखा समांतर है, ये दिखा रही है ए आर, किसका ए आर, बी सी का, कितनी लंबाई 5600 में 50000 का भाग दे देंगे ये आएगी। फिर बी डबल डैश के पास आकर के इसके खुद के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, जो ये बी डबल डैश बी डैश है ये परपेंडिकुलर है किसके, ये जो खुद रेखा आई थी बी डबल डैश सी डैश, ये AT को प्रदर्शित कर रही है। अब इस प्रकार से हमको अगली स्लाइड में देखिए BB डैश AT लिया, अब इस प्रकार से देखिए एक त्रिभुज प्राप्त हुआ जिसके तीन बिंदु C डैश B डबल डैश B डैश प्राप्त हुए, इस त्रिभुज को ज्वाइन करेंगे तो C डैश B डबल डैश AR है, इसका सूत्र भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बी डबल डैश बी डैश ए टी है और बी डैश सी डैश ए है जो स्क्वायर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर है। अब हम देखिए हमारे पास सी डैश आया है, उससे एक रेखा हमने बी डबल डैश ली है और अभी तक इस चित्र में हमको ये बी डैश मिला है और हमने इसको इससे ज्वाइन करा है। अब हम बी डैश पर आ गए हैं, यहां से हम ए आर मार्क करेंगे ए बी का, ये ए बी का ए आर, तो वो ये डायरेक्शन गिवन है, इस दिशा में ये रेखा खींचेंगे एक्स बी डैश एक्स, देखिए यहां लिखा हुआ है ये बी डैश एक्स, ये रेखा पैरेलल है किसके पैरेलल है ए बी के, तो बी डैश एक्स जो है वो पैरेलल है ए बी के, कितनी लंबाई जो इसका रेडियल एक्सेलरेशन आया है उसमें भाग दिया इसके स्केल का, एक्स आ गया। अब एक्स के बाद में अब एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे जो एक्स के ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, लेंथ हमको नहीं पता। अब आप सी डैश पर आ जाए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जहां कट करेंगे
वहां बिंदु ए डैश प्राप्त होगा। अब ए डैश को बी डैश से मिलाएंगे, इस प्रकार से हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, ए डैश बी डैश एक्स, ए डैश बी डैश एक्स। इसमें ये जो बी डैश एक्स है ये ए आर है ए बी का, एक्स ए डैश ए टी आर, ए डैश बी डैश इसका खुद का एक्सेलरेशन है। अब ये जो रेखा प्राप्त हुई है ए डैश बी डैश, इसके ऊपर हम जी डैश को अंकित करेंगे, जी डैश को उसी रेशो में जिस रेशो में कैपिटल जी है ए बी पर। देखिए वही है ए डैश जी डैश अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए जी अपॉन ए बी। यहां से ए डैश जी डैश का मान निकाला, उसे अंकित करा, उसको स्थिर बिंदु से मिलाया, उसको नापा तो उसका त्वरण प्राप्त हुआ। हमें न्यूमेरिकल में कहा गया था कि ए बी का कोणीय त्वरण निकालना, एंगुलर एक्सीलरेशन, वो कोणीय त्वरण हमेशा ए टी से आता, तो ए टी निकाला, एक्स ए डैश उसको स्केल से गुणा करा, उसमें ए बी का भाग भी ये आया। इस प्रकार से हमने वेलोसिटी एक्सीलरेशन डायग्राम खींचा और लास्ट में बता दें तीनों डायग्राम एक साथ बनेंगे जो बताए गए, कॉन्फिगरेशन डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सीलरेशन डायग्राम। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने एंगुलर एक्सीलरेशन निकाला है, या हमको कुछ भी वेग और त्वरण निकालने हैं वो सापेक्ष विधि से हमने निकाले, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। कॉन्फिगरेशन डायग्राम बनाया, वेलोसिटी डायग्राम बनाया और फिर उसके बाद हमने एक्सीलरेशन डायग्राम बनाया। धन्यवाद।